तो भाई आज भाई साहब दुकान लग गई स्पीकरों की। सर बड़े छोटे साउंड बार तो हम बहुत सारे रिव्यू करते ही रहते हैं अपने चैनल पर। मेरे को ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि भैया थोड़े छोटे मोटे बजट वाले डेस्कटॉप स्पीकर रिव्यू कर दो। तो मैंने यार भाई चुन चुन के ना पांच तगड़े तगड़े स्पीकर मंगाए हैं, बिल्कुल रेटिंग्स वगैरह देखकर और थोड़े बहुत सजेशंस लेकर के। देखा, कमेंट करते रहो, फायदा मिलेगा। तो अंडर 1000 है ये सारे साउंड बार स्पीकर, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके सब पे नजर डालते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई पहले अपना ये जेब्रोनिक्स की तरफ से जेब वॉरियर 2.0 दो स्पीकर है ना इसलिए तो ये 699 rupees का भी चल रहा है करंटली। डब्बा खाली, ये सही है भाई, कुछ नहीं, सिर्फ स्पीकर्स। बबल रैप के अलग ही नशे है भाई, ये फोटो में तो बहुत बड़े लग रहे थे, ये देखो कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। खैर 700 रुपए में क्या ही आएगा। तो कुछ ऐसे अपना स्पीकर, दोनों एकदम बिल्कुल सिमिलर से हैं। तो इस वाले पे हमें वॉल्यूम नॉब मिलती है ये, और अंदर ये दो छल्ले दिख रहे हैं स्पीकर। भाई इसके अंदर स्पीकर भी फिट है और अपनी RGB लाइट है। बाकी कनेक्शन करने के लिए हमें ऑडियो के लिए 3.5mm जैक और पावर के लिए USB। तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है, नीचे हमें छोटी छोटी चार रबर ग्रिप मिलती है और आयरन मैश लगी हुई है इसके आगे। बाकी फिट एंड फिनिश तो अच्छी लग रही है यार, ये वाला पार्ट ग्लोसी है, बाकी सारा पूरा स्पीकर अपना फिनिश में आता है। सेम डिजाइन अपने दूसरे स्पीकर का, बस यहाँ ब्रांडिंग कर रखी है। बाकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है मेरे को, इसका प्लास्टिक डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का, नो डाउट। 700 रुपए के हिसाब से काफी सही लग रही है। वायर की लेंथ देखें तो अपने स्पीकर्स को हम इतना दूर रख सकते हैं एक दूसरे से, और इसकी वायर की लेंथ भी इतनी है तो लैपटॉप या PC तक तो ये आराम से पहुंच जाएगी भाई, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 मीटर के आसपास होगी ये लेंथ। मैक्सिमम 10 वॉट्स का आउटपुट है, 5-5 वाट का दोनों से, और आई गेस इस प्राइस के अंदर 10 वॉट का आउटपुट जेब्रोनिक्स ही दे सकता है भाई। बाकी कई सारे स्पीकर देख रहा था मैं, 5-5, 6-6 वॉट के आउटपुट थे, तो मैंने भाई सबसे ज्यादा आउटपुट के चक्कर में इसे मंगा लिया। बाकी टेस्ट करके देखते हैं एक बार। सेटअप पर लुक देख सकते हो तुम्हारी कैसी आएगी, अगर लैपटॉप के साथ यूज करते हो या फिर अगर PC या डेस्कटॉप के साथ यूज करते हो तो देख लो भाई, बढ़िया लगेगा। मतलब डेस्क पर लुक तगड़ी आती है इसकी, एक प्रीमियम स्पीकर लगता है, जबकि है काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली। तो USB लगा दिया और ये भी लगा दो भाई, अब चेक करते हैं इसकी आवाज। लाइटें जल चुकी है यार, नाइस। ये RGB अपने आप चेंज होती है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हम भाई। आवाज में दम तो है यार, मतलब देखो लाउड काफी ज्यादा है इसकी आवाज। अगर तुम्हारे लैपटॉप के स्पीकर खत्म है ना तो उनके लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट कह सकते हो, क्योंकि वोकल्स क्लियर है, ट्रेबल भी अच्छी खासी आती है और हाईज तो बहुत ही अच्छे हैं, बट बेस बहुत ही कम है, मतलब ना बराबर, मतलब ऐसा है कि बस बीट्स देने के लिए बेस है, तो बहुत ज्यादा हाई बेस एक्सपेक्ट मत करना। और 700 रुपए में एक्सपेक्ट ना ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इतनी ज्यादा बेस नहीं मिलती इसमें हमें। गेमिंग अगर करते हो, गेमिंग के लिए ले रहे हो, तो उसमें बेस का ज्यादा काम नहीं होता, वोकल्स और ट्रेबल वगैरह हाईज वगैरह सही होने चाहिए, तो गेमिंग के हिसाब से। बाकी अगर म्यूजिक या मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए ले रहे हो तो बस बेस की कमी लगेगी, ओवरऑल उसके अलावा आवाज में कोई कमी नहीं है, तुम कैसे भी गाने वाने सुनो भाई, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट भाई Amazon Basics का क्या नाम है इसका, RGB साउंड बार, नाम में साउंड बार और RGB दोनों, ये सही है। तो इसका प्राइस कुछ 1000 रुपए के आसपास है, मतलब 1000 से कम में खरीदा वैसे तो मैंने, तो फ्लक्चुएट करता रहता है, 900-1000 के आसपास मिल जाता है। और ये ब्लूटूथ वाला साउंड बार है भाई, मतलब पोर्टेबल, फुल चार्जिंग वार्जिंग करके घूम सकते हो, बैटरी वाला। लेट्स टेस्ट भाई, डब्बे लो क्वालिटी बना रहा है Amazon, देख रहे हो, वैसे डब्बों का ही काम है इनका, और फिर भी देख लो ये हाल है, गजब बेइज्जती है। फोक्स केबल, एक USB A2 टाइप C वाली केबल और एक अपनी यूजर मैनुअल इसको पढ़ने के लिए, ये भी ठीक है पढ़ लेंगे हम, सही लग रहा है यार दिखने में तो। फर्स्ट लुक में तो काफी सही लग रहा है। सामने की तरफ अपनी Amazon की ब्रांडिंग है और यहाँ पर अपनी मेटल वाली मैश लगी हुई है, और लेफ्ट और राइट साइड पे अपने ये स्पीकर्स भी यहीं पे फिट है। बाकी इसको ऑन ऑफ करने के, वॉल्यूम के बटन और मोड वगैरह चेंज करने के लिए, इक्वलाइजर के लिए भी भाई बटन दे रखा है, क्या ही चाहिए भाई। और पीछे यहाँ पर हमें सारे पोर्ट्स मिलते हैं इसके, एक ऑन ऑफ का बटन, एक अपना Type-C चार्जिंग के लिए होगा ये वाला, एक अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, TF कार्ड, और एक USB पोर्ट भी है पेन ड्राइव से गाने सुनने के लिए, वाह, एक अपना ऑक्स से आउटपुट लेने के लिए। नीचे की साइड देख सकते हैं यहाँ पर चार रबर ग्रिप्स मिलती है, और ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड का है, बस आगे की साइड आयरन मैश है, और ये वाला अपना ग्लोसी है, तो प्रीमियम फिनिश दे रहा है, मतलब काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है भाई, प्लास्टिक की क्वालिटी भी जबरदस्त है, अच्छा खासा वेट है इसका, हल्का फुल्का नहीं है, तो 690 ग्राम्स का इसका वेट है, थोड़ा सा तो हैवी लगेगा अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें, पर काम चल जाएगा। ये काफी हद तक हमने बोट का एक अवांतिक ग्रूव रिव्यू किया था, उसके जैसा है दिखने में भाई, और मैक्स आउटपुट है इसका 16 वॉट्स का, तो भाई इसको तो चेक करना बनता है। तो इसमें क्या कर रखा है भाई, दो तो हमारे स्पीकर फिट हैं साइडों में, और दो RGB के छल्ले लगे हुए हैं। तो ऑन कर दी, देखो भाई कैसी RGB आ रही है, ये भी अपने आप चेंज होती रहती है, इस पे कंट्रोल नहीं है हमारा, पर ठीक है लुक्स तो आएंगी। सेटअप पर देख सकते हो कैसी लुक मारेगा भाई, तुम्हारे लैपटॉप के साथ यूज करते हो तो, या फिर अगर PC या डेस्कटॉप पर यूज करोगे तो भी काफी ज्यादा तकड़ा लगता है रखा हुआ। एक बार तो पूछेंगे लोग ये क्या लगा रखा है भाई, ब्लूटूथ पे टेस्ट करते हैं भाई। तो ये ऐसे अजीब से नाम से कनेक्ट हुआ है, तो
भाई इसकी आवाज मुझे डेफिनेटली जेब्रोनिक्स वाला जो अभी हमने देखा उससे तो बेटर है भाई। और ये जो आरजीबी वाले छल्ले है ना, मेरे को लग रहा था ऐसे ही छल्ले हैं, लेकिन नहीं, ये बेस देते हैं भाई, और काफी तगड़ी बेस आती है। लाउडनेस तो बहुत ही ज्यादा है, डिस्टोर्शन थोड़ा बहुत है, 100% कर दोगे तो हल्का फुल्का डिस्टोर्शन आएगा, बट 80-90% तक इतना नहीं है, कम हो जाता है, तो मैं कहूंगा 70-80% तक सुनो, बहुत सही आवाज आती है। और इसके जो इक्वलाइजर वाले मोड है ना भाई, 6-7 इक्वलाइजर मोड है इसमें, हर बार अलग आवाज हो जाती है, किसी में बेस बढ़ जाती है, किसी में ट्रेबल बढ़ जाती है, किसी में दोनों बढ़ जाते हैं, तो वो अलग अलग है, अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना, म्यूजिक के हिसाब से सेट कर सकते हो। और जेन्युइनली भाई काफी अच्छी आवाज है इसकी, 16 वॉट्स का आउटपुट डेफिनेटली फील होगा, मतलब इसमें ना बेस भी आएगी तुम्हें 16 वॉट में, नो डाउट, मतलब 1000 रुपए के अंदर एक कंप्लीट साउंड बार वाला पैकेज दे रहा है। बाकी अमेजोन ने तो कहा है कि 2000 mAh की बैटरी है, 7 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा, अगर 70% पे सुनते हो तो रफली 5-6 आवर्स तक तो आराम से मान ही सकते हो कि मिल ही जाएगा। अब अपने पास एंटी स्पोर्ट्स GS 270, अब हम सब वूफर वाला लेके आए हैं भाई, सारे अलग अलग वैरायटी हैं। ये आ गए पापा जी बाहर और ये आ गए बच्चे बाहर, भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये सारा कुछ एक साथ, दिखने में तो बहुत बड़े लग रहे थे, ये है छोटे छोटे से भाई। पहले पापा जी की शक्ल देखो, ये हमें इसका वॉल्यूम नॉब मिलता है और यहाँ पर अपनी आरजीबी के लिए पूरी जगह दे रखी है, बिना आरजीबी का तो कोई मंगाया ही नहीं मैंने, सबने आरजीबी ले ली। यहाँ मेटल ग्रिल लगी हुई है और ये ब्रांडिंग व्रांडिंग करके, और पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, ये भी हल्का सा है काफी ज्यादा। पीछे मिलता है भाई साहब पूरा एकदम डीजे का सामान, इसका सबवूफर और ये छेद हवा देने के लिए, क्या बोलते उसे, मिनी सबवूफर टाइप बना रखा है इसको, DIY जैसा। और ये छोटे छोटे स्पीकर देखो इसके, ड्राइवर इसके पीछे फिट कर रखे है, तो ये ना पूरा ओपन सा सिस्टम है इसका, जैसे पहले आया था भाई, एग्जैक्ट सेम डिजाइन है, आगे से देख लो चाहे पीछे से देख लो, बच्चे बाप पे गए हैं, जुड़वा भाई है सारे, फैमिली बॉन्डिंग इसी को कहते हैं गाइस। कुछ भी, वायर की लेंथ अच्छी खासी है, जेब्रोनिक्स वाले से तो बढ़िया है। 11 वोल्ट का आउटपुट है इसका, और अभी इसका प्राइस कुछ 1200 के आसपास चल रहा है, मैंने भी यार इतने का ही मंगाया था, ये थोड़ा सा 1000 रुपए से ऊपर है, बट रेट बढ़ गया तो मेरी गलती है, बाकी चीज भी था ना फिर, क्योंकि ये सब ऊपर के साथ था इसलिए मैंने मंगाया, ये देखने के लिए कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, तो ये चीज तुम्हें भी पता चल जाएगी वीडियो में। वैसे बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, वेट कम है इसका, हल्का हल्का सा लग रहा है, पर क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेटअप पर लुक देख सकते हो कि लैपटॉप के साथ कैसी आएगी तुम्हारे, और अगर पीसी या डेस्कटॉप के साथ यूज करोगे तो भी मतलब रखा हुआ तो बढ़िया लगता है। अब आवाज सुन ली जाए इसकी, तो ये भी अपना USB से पावर लेगा और 3.5 mm से ऑडियो आउटपुट। भाई इसकी RGB देखो, अभी गाना बंद है ना तो बिल्कुल एकदम नॉर्मली धीरे धीरे ब्लिंक हो रही है, वाह यार ये चीज सही है। बाकी RGB भी लगती बढ़िया है इसकी, नो डाउट रखी हुई प्रीमियम लगेगी। इस वॉल्यूम नॉब पर भी लाइट है बिल्कुल एकदम, रात के अंदर तो भाई क्या ही मतलब सीन सा बना देगा ये। अब देखो मैं जज करके बताता हूँ तुम्हें, अभी जो हमने जेब्रोनिक्स वाली सुनी उससे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उसमें बेस नहीं थी, इसमें बेस आती है भाई, प्योर बेस आती है, क्योंकि वूफर दिया ना तो उसका फायदा तो मिलना है अपने को। अमेजोन वाला जो भी रिव्यू किया था उसकी आवाज फुल पे डिस्टॉर्ट करती है, इसकी फुल वॉल्यूम पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बट हाँ अमेजोन वाले से थोड़ी सी लाउडनेस कम है, क्योंकि इसका आउटपुट भी कम है ना, 11 वोट्स का आउटपुट है टोटल, 5.5-5.5 वोट का दोनों का, उसके हिसाब से उतने लेवल की आवाज ये दे रहा है भाई, नो डाउट। मतलब 11 वोट में तुम जो बेस्ट साउंड ले सकते हो ना वो है इसके अंदर, चाहे फिर वो बेस के मामले में हो, लाउडनेस के मामले में हो, ट्रेबल हाइज मिड सब बहुत ही सॉलिड है इसके। एक डेस्क के हिसाब से जितनी लाउडनेस चाहिए ना उतनी है, यू मत सोचना पूरा रूम हिला देगा भाई, इतना नहीं हिला पाएगा यार, 11 वोट ही है। अगला भाई तो ये अपना जेब वंडरबार 20, इसकी सबसे खास चीज पता क्या है, दिखने में तो साउंड बार जैसा है, बट ये ऐसे 2.0 वाले चैनल में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्राइस अभी चल रहा है भाई 999, 1000 रुपए से 1 रुपए कम। और बॉक्स में हमें मिलता है सिर्फ अपना स्पीकर, वाह यार इसका तो कुछ अलग ही सिस्टम लगा रखा है। पहले मुझे ये देखना ही अलग कैसे होगा ऐसे, ओ यार ये चीज तो सही है। जेब्रोनिक्स वाले आविष्कार करते रहते हैं भाई कुछ ना कुछ। भाई ये आती है केबल इसके साथ, वही USB से पावर और इससे अपना ऑडियो ट्रांसमिशन। नीचे यहाँ पर 2 रबर ग्रिप दे रखी है ऐसे, ठीक है रखती तो है। लाइट और इसको पावर ऑन ऑफ करने के लिए, म्यूट करने के लिए, और वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए हमें एक ये नोब मिलती है इस पे। ये दोनों आपस में वायर से कनेक्टेड है और बाकी सब चीजें इससे कनेक्टेड है। इंटरफेस सबका ऑलमोस्ट सेम सा ही है, बाकी इसकी वायर की लेंथ देख सकते हो 1 मीटर के आसपास होगी इसकी भी आराम से। आगे की तरफ ये जो पूरा व्हाइट सरफेस है ना इसके अंदर अपनी RGB वो भी हम चेक करेंगे कैसी है। बाकी है पूरा ये प्लास्टिक बिल्ड में और बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है नो डाउट। बाकी जेब्रोनिक्स का कहना है कि भाई कुछ 10 वॉट्स का इसका आउटपुट है, लेट्स चेक। भाई क्या RGB है यार, भाई इसकी लाइटों का तो फैन हो गया मैं, और किस चीज का चाहे ना हूं। सबसे तगड़ी लाइटें हैं इसकी यार, अभी तक हमने जिसमें भी देखी उन सब में सबसे बढ़िया है।
भाई आवाज में इसके भी दम है, प्लस इसका जो ये अलग होने वाला फीचर है ना, ये भाई काफी ज्यादा यूनिक है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है अगर तुम्हें 2.1 बनाना हो इसको। यूं है कि लाउडनेस काफी ज्यादा है अच्छी खासी, जो एक्सपेक्ट करोगे 10 वाट के आउटपुट से वो तो है। और अगेन बेस है इसमें जो कि हमें पहले वाले में नहीं मिली थी जबरोनी इसी तरफ से, लेकिन इस वाले में है। प्लस ये RGB तड़के भाई नशा है भाई, ये रात में तो क्या ही तगड़ी लुक मारेगा सेटअप पर तुम्हारे, एक नंबर मजा आ जाएगा इसकी आवाज में, डेफिनेटली मजा आ जाएगा। एंटी स्पोर्ट जितनी तगड़ी बेस नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली बेस भी फील होती है, तो आवाज के हिसाब से साउंड के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक व्यूजिक बढ़िया सुन पाओगे इसमें। बाकी इस वाले बटन से ना इसके अलग अलग RGB इफेक्ट भी हम चेंज कर पाएंगे भाई, ये देखो एक तो ये वाला इफेक्ट है, दूसरा ये, तीसरा भाई ये, फोर्थ ये, भाई सफेद भी हो जाता है भाई, और बंद करना हो तो बंद भी हो जाएगा। इस वाले इफेक्ट में ना हल्की सी हमिंग सी आवाज आती है इसमें, बट बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल सी है, अगर लाइट इफेक्ट चेंज करते हो तो वो बंद हो जाती है, तो पता नहीं क्या सीन है, बट ठीक है जो है बता दिया। और स्पीकर अपने ट्रेबल के लिए ये वाली ग्रिल दे रखी है, ये जो जाली वाली है, और ये जो दो छेद है ना इधर से अपनी बेस की हवा आती है। अब आगे क्योंकि लाइट लगा के इन्होंने पैक कर दिया, तो कहीं तो देनी थी ना हवा, वो पीछे दे दिया, मतलब स्पीकर का सिस्टम पीछे चलता है इसका, आगे सिर्फ दिखावा है। बाकी ये साउंड बार कम टेलीस्कोपिक स्पीकर कुछ भी कह लो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगा मुझे, तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो इसे, 1000 रुपए के हिसाब से तो बहुत सही लगा। तो भाई सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग स्पीकर है भाई ये अपना रेड ड्रैगन का एनविल, और ये मंगाने का रीजन ये था कि रेड ड्रैगन तुम्हें पता ही होगा काफी ज्यादा गेमिंग के लिए तगड़ा जाना माना ब्रांड है, तो मुझे ना देखना था कि रेड ड्रैगन की चीज कैसी होती है, मतलब कितना प्रीमियम ये बनाते हैं। इसका प्राइस है 1800 रुपए के आसपास और आउटपुट पता कितना है, सिर्फ 6 वॉट। मैं इसको ना टेस्ट कर रहा था अपने लिए पर्सनल यूज के लिए काफी टाइम से, भाई मैं हिल गया, मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब अभी तक हमने इतने ज्यादा आउटपुट के इतने सस्ते सस्ते स्पीकर टेस्ट करे हैं, ये उन सबसे अलग है। दिखाता हूँ कैसे। तो एक मिलते हैं हमें रेड ड्रैगन के स्टिकर्स, कर लो प्रमोशन, और एक यूजर मैनुअल जो कि स्पीकर के लिए कौन नहीं पढ़ता होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं, हमसे पढ़ाई नहीं हुई आज तक स्पीकर, ज्यादा हो गया। तो भाई कुछ ऐसे दिखते हैं अपने स्पीकर्स, यहाँ पर रेड ड्रैगन का तगड़ा सा लोगो लगा रखा है, और ये वाली जो एक तुम लाइन देख रहे हो ना पतली सी स्ट्रिप, ये अपनी RGB वाली स्ट्रिप है, आगे दिखाऊंगा कैसे चलती है। और ये आयरन मैश लगी हुई यहाँ पर, और बाकी है पूरा ये प्लास्टिक बिल्ड का ही, पीछे से भी प्लास्टिक है, नीचे अपनी 4 रबर ग्रिप्स दे रखी है, सिमिलर डिजाइन है अपने दूसरे वाले स्पीकर का। यहाँ पर वॉल्यूम कम ज्यादा करने का बटन है और लाइट को बंद चालू करने का बटन, वायर की क्वालिटी भी काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है इसकी, और इसमें भी हमें वही USB से पावर देनी है और ऑडियो ट्रांसमिशन होगा इससे, प्रीमियमनेस तो है भाई। तो इन दोनों को हम इतनी दूरी पर रख सकते हैं भाई, ये अपनी काफी ज्यादा लंबी है, ये 1.5 मीटर या 1.8 मीटर के आसपास होगी इसकी लेंथ, तो आराम से तुम अपने PC या डेस्कटॉप तक पहुंचा सकते हो। प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी भी काफी सॉलिड है यार, मानना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो ऑन हो चुके हैं, पर यहाँ पर RGB की मस्त वाली लाइट आ रही है। तो इसमें हमें ना 6 RGB के अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं, और उन्हें चेंज पता कैसे करते हैं, यहाँ इसके टच पैनल लगा हुआ है भाई, जैसे ही मैं टच करूंगा अलग अलग RGB इफेक्ट यहाँ पर आते हैं, अलग अलग लाइट्स आती हैं, स्टैटिक और एक ये वाला, ये दूसरा इफेक्ट है ना, ये भी बस ऊपर नीचे करता रहता है, तो बढ़िया बढ़िया RGB इफेक्ट है यार, और काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है जब हम इसे रात में देखें, अपने सेटअप पे देखोगे तुम। इनका डिजाइन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, मतलब पैसे जो दिए हैं ना वैसी चीज तो है भाई। अब आउटपुट है इसका सिर्फ 6 वॉट का, तो भाई ये चेक करना बनता है कि इसमें कितना दम है। कभी भी तुम एक महंगा स्पीकर लोगे ना तो यही एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हें साउंड प्रीमियम मिलने वाली है। अब इसके साथ हमें कोई सबवूफर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसकी जो बेस है ना इतनी सही है कि मतलब एक सबवूफर वाली फीलिंग देती है प्रॉपर। इनको हाथ में भी उठा लो ना, जब ये बज रहे होते हैं तो भाई फील होगा तुम्हें पूरी धूम धड़ाका कर रहे हैं भाई। तो डेफिनेटली यार पैसा जो ले रहा है ना रेड ड्रैगन यार वर्थ है यार, नो डाउट। जैसा एंटी स्पोर्ट्स के अंदर मैंने बताया कि वो भी 1200 कुछ के दे, इसके अंदर भी हमें उसके लेवल की बेस है, जबकि इसमें सबवूफर हमें नहीं मिलता। बाकी लाउडनेस मुझे एंटी स्पोर्ट्स के कंपैरेटिवली इसकी थोड़ी सी ज्यादा लगी, और वोकल्स और ट्रेबल तो भाई बहुत ही सही है इसकी, मतलब कुछ कह नहीं सकते। 6 वॉट के अंदर तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसी साउंड मिल सकती है, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं इसको पर्सनली भी अपने यूज के लिए काफी ज्यादा यूज कर रहा हूं। इवन तुम इसमें अपनी गेमिंग वेमिंग करो, कुछ भी करो भाई, काफी ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ब्रांड भाई अपनी रिस्पेक्ट बनाता है यार, कहना पड़ेगा। तो ये भी डेफिनेटली मतलब मेरी तरफ से तो भाई फुली रिकमेंडेड है, अगर तुम्हारा बजट जा रहा है ना 2000 तक तो इसे ले सकते हो। ये अकेला स्पीकर था जो सबसे महंगा था, और मैंने पर्सनली अपने लिए लिया, तो मैंने कहा भाई ये भी बता दूं इसका भी कि अगर कोई बंदा महंगा बजट ले घूम रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा सही रहेगा ये। बाकी इसके अलावा एंटी स्पोर्ट्स वाले की साउंड भी बहुत ज्यादा तगड़ी थी, जो सबसे पहले हमने ज़ेब वॉरियर रिव्यू किया उससे तो बेटर ही है अपने सारे। तो वही है कि यार अगर बहुत ज्यादा कम बजट है तो उसको भी मैं बुरा नहीं कहूंगा, अगर 500-600 के आसपास का बजट है तो तुम उसे भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बेस के अलावा बाकी सब उसमें भी बढ़िया ही है। एंटी स्पोर्ट्स और इसके बाद अमेजोन और अपना जो ज़ेब वंडरबार है उन
की आवाज भी बढ़िया थी। तो अपने हिसाब से, अपने प्राइस के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो तुम्हें सही लगे वो वाला परचेज कर लेना। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे भाई सब के, और कोई ऑफर या डील वगैरह आ रखी हो तो सब चेक कर लेना, फायदा हो जाएगा तुम्हारा। बाकी मजा आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब भी कर देना और इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say fake.